हर साल की तरह इस साल भी आरसीबी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरना चाहती है। जी हाँ, तीन महान खिलाड़ी तो आरसीबी में पहले से ही थे। तीन कौन? विराट कोहली, एबीडी और देवदत्त पाडिकल। और अब शामिल हो चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, अब आरसीबी में लगने वाली है चार चांद। ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट ऑलराउंडर है और उनका जलवा तो आप सभी ने देख रखा होगा पंजाब में। तो अब वो शामिल हो चुके हैं आरसीबी में और आरसीबी पूरी तैयार है इस साल मैदान में उतरने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी पूरी तैयारी के साथ हर साल उतरती है, पर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो खिताब से काफी दूर रह जाती है। पर इस साल आरसीबी की टीम कुछ अलग नजर आ रही है। इस साल ऐसा लगता है कि आरसीबी शायद खिताब के बहुत करीब है। दोस्तों, देवदत्त के बारे में तो आप सभी ने सुन रखा होगा। उन्होंने पिछले साल के आईपीएल में भी बहुत खूब खेला था और हाल ही में चल रहे विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी ने उन्होंने 2 अर्धशतक और 4 शतक ठोका है वहां पे। और उनके लिए ये आईपीएल बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अगर वो चाहते हैं आईपीएल के थ्रू टीम इंडिया में आना, तो वो जरूर चाहेंगे कि इस साल वो आईपीएल में बहुत खूब खेले, अपने आप को साबित करे कि वो टीम इंडिया में खेलने के लायक है। और दोस्तों, विराट कोहली को लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, उन्होंने 1 भी शतक नहीं ठोका है। तो विराट कोहली के लिए भी ये आईपीएल बहुत खास होने वाला है, क्योंकि उन्हें बैक टू बैक मौका मिलेगा मैचेस में कि वो अपने फॉर्म में वापस कमबैक कर सके। तो विराट कोहली के लिए भी ये आईपीएल बहुत ही खास है, वो इस आईपीएल के जरिए अपने पुराने फॉर्म में लौटना चाहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर के बारे में तो क्या ही तारीफ किया जाए, वो पिछले साल आईपीएल में उन्हें बहुत खूब खेला था, उसी वजह से उन्हें इस साल टीम इंडिया में मौका मिला और इस साल भी उन्होंने टीम इंडिया में अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित करने की कोशिश करी है। अगर वो टीम इंडिया में आगे भी इसी तरह खेलना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि टीम इंडिया में उन्हें इसी तरह मौका मिलता रहे, तो उनके लिए भी ये आईपीएल बहुत खास होगा। वो इस आईपीएल में भी दिखाना चाहेंगे कि उनमें टैलेंट है, उनमें यूनिक टैलेंट है, जो बॉलिंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और बैटिंग भी, और साथ में उन्हें हिट करने भी आता है, उन्हें छक्का उड़ाने भी आता है, उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन शॉट लगाते हुए मैदान में काफी बार देखा गया है। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो आरसीबी की टीम इस साल बहुत ही अलग नजर आ रही है। इस साल ऐसा लगता है आरसीबी की टीम को देखकर कि इस साल आरसीबी खिताब जीत सकती है, इस साल आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीत कर ले जा सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या इस साल आरसीबी जीत सकती है, क्या इस साल आरसीबी जीतेगी या इस साल आरसीबी ही जीतेगी? आपको जो कुछ लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलूंगा सभी से अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।